सरकार, राजनाथ जी सरकार, मोदी सरकार, संजय जी सरकार, पंडाल किसानों का है, कोई सुखबीर सिंह बादल का पंडाल नहीं, कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बीते दिन देश भर के किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर अपने अपने क्षेत्रों में बंद रखा और नेशनल हाईवे जाम करके केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए आर्डिनेंस के खिलाफ रोष जाहिर किया। बीते दिन किसानों का बंद पूरी तरह सफल रहा, लेकिन अबोहर के गांव आलमगढ़ में किसानों के धरने के दौरान किसानों में विभिन्न पार्टियों को लेकर गुस्सा भी साफ दिखाई दिया। कोई सुखबीर सिंह बादल का पंडाल नहीं, कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस बीच वहां पहुंचे अकाली नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों ने नेताओं के सामने ही ऐलान कर दिया कि वे किसी पार्टी के बैनर के नीचे काम नहीं करेंगे, अगर किसी ने आना है तो वह किसानी के झंडे के नीचे आकर उनका साथ दे, ना कि किसानों को साथ लेकर राजनीति करें। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि यदि सरकार ने आर्डिनेंस वापस नहीं लिए तो किसानों का संघर्ष लंबा चलेगा और इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। जो आज जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आरडीएस ने बिल लिया के आई है, किसान विरोधी बिलों, उन्होंने जब तक ये मोदी सरकार वापस नहीं लेंदी उदों तक ये धरने जारी रहेंगे, संघर्ष लंबे होंगे जाएंगे। असं ये सेंटर की गौरमेंट को चेतावनी देनी चाहते हाँ कि जब तक तुम ये आरडीएस बिल वापस ले लो, नहीं तो संघर्ष होर किसी रूप च ना बदल जा। साडे जथेबंदियों के आगू रेलों दिया पटड़िया उत्ते बैठे हुए हैं, आपके पक्के घर बना के बह गए हैं, तंबू ला के। उन्होंने ये कहना है कि असी उदों तक वापस नहीं आना, उदों तक इतों उठना नहीं जब तक कि मोदी सरकार आर्डिनेंस बिल वापस नहीं लेंदी। उस तो बाद सानू जो उत्तों हाईकमान तो हुक्म होते रहेंगे उस धरने उस तरह धरनों होर वक्रे रूप दे के अगे तो अगे चलाते रहेंगे। असी अज सवेरे 9 बजे तो लैके 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिता सी, उस तो बाद जो हाईकमान तो हुक्म होगा उस तो जो भी रेख रूप पर लिखी जाऊगी उसके जरिए असी धरने मुजहरे करते रहना है और करते रहेंगे जब तक के आर्डिनेंस बिल वापस नहीं लेंदी सेंट्रल गौरमेंट। ये किसान विरोधी नहीं हैं, कल छोटे दुकानदार, गरीब मजदूर, छोटे व्यापारी, टीचर, आरसी, मंडी करन बोर्ड, ये हर एक चीज़ को खत्म करने जा रहे हैं आर्डिनेंस बिल के जरिए। साड़ी ये मोदी सरकार को चेतावनी। नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया, इसी के मद्देनजर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। सुबह श्री गंगानगर से अबोहर पहुंची स्पेशल ट्रेन से 32 लोग बठिंडा गए थे। नीट की परीक्षा होने के बाद शाम करीब 7 बजे पर ऐसी स्पेशल ट्रेन बठिंडा से रवाना हुई, जो साझा नहीं छोड़ना किसानों ने। रात करीब 9 बजे जथेबंदियों का यह धरना अबोहर पहुंचने पर पुलिस की ओर से सभी यात्रियों की जांच की गई। उधर एग्जाम देकर लौटे विद्यार्थी भी खुश दिखे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल नु वापस नहीं लेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद।